subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello, my dear students. Today I will work out some problems of exercise 2.1 of the chapters fractions and decimals. Question number one is solve. The first one is 2 minus 3 upon 5. तो ये जो दो नंबर है, फर्स्ट वन इज द होल नंबर एंड द सेकेंड वन इज द फ्रैक्शनल नंबर. तो दोनों नंबर्स को पहले क्या करना है, लाइक फ्रैक्शनल्स नंबर में कन्वर्ट करना है. इसमें होल नंबर है लेकिन इसका डेनोमिनेटर कितना है, द डेनोमिनेटर इज वन एंड दिस फ्रैक्शनल नंबर्स जो 3/5 है इसमें डेनोमिनेटर है 5. ये दोनों नंबर्स का डेनोमिनेटर को क्या बनाना है, पहले सेम बनाना है. वन एंड फाइव का एलसीएम क्या है, तो इसलिए हम लोग को एलसीएम बहुत जरूरी है. व्हाट इज़ द एलसीएम ऑफ वन एंड फाइव का एलसीएम होता है 5. सो डेनोमिनेटर्स में क्या बनाना है, 5 बनाना है. ओके, तो 2 अपॉन 1 इसमें डेनोमिनेटर में क्या बनाना है, 5 बनाना है. सो वी विल मल्टीप्लाई इट विद बाई 5. तो न्यूमरेटर को भी 5 से ही मल्टीप्लाई करना है. माइनस 3/5 ऑलरेडी डेनोमिनेटर में 5 है, सो इट रिमेन सेम ओनली. सो 2 5s are 10, 1 5s are 5 माइनस 3/5. नाउ डेनोमिनेटर, इसमें दोनों का डेनोमिनेटर क्या हुआ है, सेम हो गया. तो अभी हेयर 5, सो 10 माइनस 3 मीन्स 7/5. इट इज़ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसको हम लोग क्या कर सकता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकता है. तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 7 को 5 से डिवाइड करना है. चलो इसमें हम लोग 7 को 5 से डिवाइड करेंगे. 5 1s are 5, द रिमाइंडर इज 2. हेयर द होल नंबर इज 1, दैट इज विल राइट 1 हेयर. द डेनोमिनेटर 5 है तो 5 ही लिखना है और रिमाइंडर जो है उसमें न्यूमरेटर में लिखना है. सो द आंसर इज 1 and 2/5. ओके, दिस इज द आंसर. द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1. ओके, तो इसमें देखिए डेनोमिनेटर्स, दोनों फ्रैक्शनल नंबर्स का डेनोमिनेटर अलग अलग है. तो फर्स्ट फ्रैक्शनल नंबर में डेनोमिनेटर है 5 और इसमें जो सेकेंड फ्रैक्शनल नंबर है इसमें डेनोमिनेटर है 7. तो ये जो डेनोमिनेटर है 5 एंड 7, ये दोनों डेनोमिनेटर को सेम बनाना है. तो इसीलिए हम लोगों को क्या करना है, 5 एंड 7 का एलसीएम फाइंड करना है. सिंस 5 एंड 7 बोथ आर प्राइम नंबर्स, इसलिए ये दोनों नंबर्स का एलसीएम क्या होगा, दोनों को प्रोडक्ट करने से जितना मिलेगा वही होगा इसका एलसीएम. ओके, 5 into 7 दैट इज 35. सो 35 इज द एलसीएम. 5 एंड 7 का एलसीएम होगा 35. इसका मतलब डेनोमिनेटर्स में हम लोगों के कितना बनाना है, 35 बनाना है. ओके, सो विल राइट 3/5. इसमें इंटू करना है, 5 का साथ कितना इंटू करने से 35 होता है, 7. सो विल मल्टीप्लाई बाय 7. सो न्यूमरेटर ऑल्सो बाय 7. जब हम लोग डेनोमिनेटर को 7 से मल्टीप्लाई किया है, न्यूमरेटर को भी 7 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ओके, सो नेक्स्ट इज प्लस, अभी 2/7 मल्टीप्लाई, या डेनोमिनेटर को 35 बनाना है, इसलिए 7 का साथ कितना मल्टीप्लाई करना है, 5, क्योंकि 7 5s are 35. देयरफॉर न्यूमरेटर ऑल्सो मल्टीप्लाई बाय 5. हेंस 3 7s are 21, 5 7s are 35 प्लस 2 5s are 10, 7 5s are 35. सो दिस इज 35, 21 प्लस 10 दैट इज 31. This is the answer. Next one is 7/10 plus 2/5 plus 3/2. इसको फाइंड करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है. तो इसका हम लोग फर्स्ट क्या करेंगे, वी नीड टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 10, 5 एंड 2. तो 10, 5 एंड 2 का एलसीएम हम लोग पहले फाइंड करना है. तो इसमें 5 से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं दो नंबर्स को. तो 5 2s are 10, हेयर 5 1s are 5, 2s 2. अभी 2 से डिवाइड कर सकता है, 2 1, इसमें 1, इसमें 1. हेंस द एलसीएम इज 5 into 2, दैट इज 10 इज द एलसीएम. तो इसको हम लोग एक लाइन में भी कर सकते हैं,
तो चलिए अभी वही मेथड में करेंगे, क्योंकि आप लोग अभी क्लास सेवन का स्टूडेंट्स है तो थोड़ा सा एडवांस्ड होना चाहिए। तो आप इससे पहले जो दो मैथ्स किया है तो क्लास फोर फाइव के स्टूडेंट्स के लिए, तो अभी थोड़ा एडवांस होना चाहिए। फाइव टू जार टेन, एल सेव इज टेन, योर राइट हैंड टेन। अभी क्या करना है, टेन डिवाइडेड बाई टेन, जस्ट सी टेन डिवाइडेड बाई टेन, टेन को टेन से डिवाइड करने से वन, तो दिस वन इन टू इसके ऊपर में जो सेवन है दिस, नेक्स्ट दिस प्लस, जस्ट सी, यू सी द टेक्निक। टेन डिवाइडेड बाई फाइव, टेन को फाइव से डिवाइड करने से फाइव टू जार टेन, दैट इज टू टाइम्स, सो जितना टाइम्स गया है टू, और इसके ऊपर में है टू इन टू टू। नेक्स्ट प्लस टेन डिवाइडेड बाई टू, टेन डिवाइडेड बाई टू मीन्स फाइव, क्योंकि टू फाइव जार टेन, सो दिस फाइव इन टू ई जो ऊपर में है थ्री, इट इज थ्री, एंड दिस इज टेन। वन सेवन जार सेवन प्लस, मल्टीप्लाई करना है पहले, टू टू जार फोर प्लस फाइव थ्री जार फिफ्टीन। अभी एड कीजिए, दिस इज टेन, सेवन एंड फोर, सेवन एंड फोर प्लस करने से कितना होता है इलेवन प्लस फिफ्टीन, दैट इज ट्वेंटी सिक्स। ओके, अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ट्वेंटी सिक्स डिवाइडेड बाई टेन, टू टाइम्स ट्वेंटी, द रिमाइंडर इज सिक्स, हैंस होल नंबर इज टू, डेनोमिनेटर में तो टेन ही रहेगा और रिमाइंडर इज सिक्स। इसको और कर सकता है, टू थ्री जार सिक्स, टू फाइव जार टेन, हैंस टू एंड थ्री अपन फाइव, दिस इज द आंसर। वन मोर क्वेश्चंस, टू एंड टू अपन थ्री प्लस थ्री एंड हाफ, तो इसको करना है। तो इसमें दोनों क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन रहता है तो फर्स्ट काम क्या करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग, हेयर थ्री इज द डेनोमिनेटर, थ्री लिखना है, दिस होल नंबर एंड द डेनोमिनेटर, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट, टू थ्री जार सिक्स प्लस टू, न्यूमरेटर में जो है उसको ऐड करना है, जैसे टू इन टू थ्री प्लस टू, टू थ्री जार सिक्स प्लस टू, दैट इज एट, दिस प्लस एट द डेनोमिनेटर इज टू, थ्री टू जार सिक्स प्लस वन, दैट इज सेवन। ओके, नाउ डेनोमिनेटर में थ्री एंड टू है, अभी दोनों का एलसीएम लेना है, थ्री एंड टू एंड टू का एलसीएम, दोनों क्या है, प्राइम नंबर है, और एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज नथिंग बट देयर प्रोडक्ट, तो थ्री टू जार सिक्स, हेंस एलसीएम इज सिक्स। अभी क्या करना है, सिक्स डिवाइडेड बाई थ्री, सिक्स को थ्री से डिवाइड करने से टू टाइम्स, सो ये जो टू है, टू इन टू इसका जो न्यूमरेटर है एट, नेक्स्ट प्लस सिक्स डिवाइडेड बाई टू, सिक्स को टू से डिवाइड करने से थ्री टाइम्स जाएगा, थ्री इंटू सेवन, दैट इज ऊपर में जो न्यूमरेटर है उसका साथ थ्री मल्टीप्लाई करना है, थ्री इंटू सेवन, सिक्स फर्स्ट मल्टीप्लाई करना है, टू एट जार सिक्सटीन प्लस थ्री सेवन जार ट्वेंटी वन, एंड सिक्सटीन प्लस ट्वेंटी वन, इसको आप लोग इधर रैप करके देखिए, इट विल बी थर्टी सेवन, हैंस थर्टी सेवन बाई सिक्स, ये क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है तो इसको 37 को 6 से डिवाइड कीजिए, 6 सिक्स आर 36, रिमाइंडर इज 1, हैंस होल नंबर इज 6, द डेनोमिनेटर इज 6 एंड द रिमाइंडर इज 1, सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर टू इज, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स ग्रेटर टू स्मॉलर, बड़ा से छोटा, फर्स्ट वी विल राइट द ग्रेटर नंबर, देन उससे छोटा, देन उससे छोटा, दैट इज कॉल्ड द डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हम लोग को क्या करना है, ये जितना फ्रैक्शंस है सब फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। सो फर्स्ट वील कन्वर्ट ऑल द थ्री फ्रैक्शंस इन टू लाइक फ्रैक्शंस। तो लाइक फ्रैक्शंस में हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं, जो डेनोमिनेटर से डेनोमिनेटर को क्या बनाना है, सेम बनाना है। तो डेनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए डेनोमिनेटर्स का क्या निकालना है, पहले एलसीएम निकालना है। ओके, फर्स्ट विल फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 9, 3 एंड 21। 3 से डिवाइड कर सकता है, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3, 3 7 जार 21। फिर
मोर देन टू नंबर्स को किसी से भी डिवाइड नहीं कर सकते, तो जस्ट मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करने से एलसीएम मिलेगा, 3 × 3 × 7। तो एलसीएम इज 3 × 3 × 7, 3 × 3 = 9, 9 × 7 = 63 इज द एलसीएम। ओके, 63 इज द एलसीएम। तो 2/9 हम लोग को डेनोमिनेटर में क्या बनाना है, 63। सो 63 9 × 7, तो इसमें भी 7 करना है, मल्टीप्लाई करना है। 9 × 7 = 63, 2 × 7 = 14। नेक्स्ट 2/3, ओके, अभी 3 का साथ क्या मल्टीप्लाई करने से 63 होता है, इसमें फैक्टर्स 3 हैं, तो बच गया 3 और 7, 3 × 7 = 21, तो 21 से मल्टीप्लाई करना है इसको, 21, 3 × 21 = 63, 2 × 21 = 42। नेक्स्ट इज 8/21, सेम प्रोसेस में करना है, 8/21, इसमें 21 को मल्टीप्लाई करना है। चलिए 21 को मल्टी, 3 × 7 = 21, ये तो ऑलरेडी है 21, और रिमेनिंग फैक्टर इज 3, सो विल मल्टीप्लाई विथ 3। अभी देखिए 21 × 3, दैट इज 63, दैट इज 63, 8 × 3 = 24। ओके, नाउ अभी इसको अरेंज करना है, कैसे अरेंज करना है, इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा जो है उसको पहले लिखना है, विच वन इज द ग्रेटेस्ट, दैट इज 42/63, और 42/63 कहाँ से मिला है, 2/3, देयरफॉर 2/3, देन 24/63, 24/63 मीन्स 8/21, देन द रिमेनिंग वन इज 14/63, दैट इज 2/9। दिस इज द आंसर। सेकेंड नंबर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, इसको हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, 1/5, 3/7, 7/10, सेम प्रोसेस है, सेम मेथड है। तो 5, 7 एंड 10 का हम लोग को पहले क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो 5, 7, 10, तो 5 टाइम्स 5 से डिवाइड कर सकता है, 1 टाइम्स एनी होता है 7, 5, 2। ओके, अभी एलसीएम हो गया 5 × 7 × 2, दैट इज 70, 5 × 7 = 35, 2 = 70, एलसीएम इज 70। ओके, सो 1/5, इसमें डेनोमिनेटर में 70 बनाना है, तो 70, चलिए इसमें 5 है, तो 5 है तो बाकी दो फैक्टर से 7 × 2, 7 × 2 = 14, सो इसलिए हम लोग इसमें 14 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 5 × 14, 5 × 14 = 70, एंड हेयर 1 × 14 = 14। द नेक्स्ट फ्रैक्शंस इज 3/7, 3/7, इसमें हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करना है, 7 ऑलरेडी है, 7 है तो बच के बाकी दो फैक्टर्स 5 × 2, 5 × 2 = 10, सो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर ऑल्सो 10, 7 × 10 = 70, 3 × 10 = 30। एंड द थर्ड फैक्टर फ्रैक्शन इज 7/10, 7/10, डेनोमिनेटर में 70 बनाना है, 10 × 7, 10 × 7 = 70, तो हेयर ऑल्सो 7, दैट इज 49/70। ओके, अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, डिसेंडिंग में सबसे बड़ा नंबर पहले लिखना है, उसके बाद उसे छोटा छोटा ऐसे करके। तो सबसे हेयर ग्रेटेस्ट नंबर इज 49/70, अमंग दिस थ्री नंबर्स द ग्रेटेस्ट वन इज 49/70, और ये जो यहाँ से मिला है, देयरफॉर 7/10, देन उससे छोटा है 30/70, दैट इज 3/7, और सबसे छोटा है 14/70, दैट इज 1/5। क्वेश्चन नंबर 4 इज ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 12.5 cm लॉन्ग एंड 10 × 2/3 cm वाइड, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो ये जो पेपर शीट है उसका शेप क्या है, रेक्टेंगुलर है। सपोज दिस इज द रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर,
जिसका लेंथ है 12.5 सेंटीमीटर एंड वाइड है 10.2/3 सेंटीमीटर। तो इसका पैरामीटर निकालना है। तो पैरामीटर मीन्स सम ऑफ ऑल साइड्स। पैरामीटर मीन्स क्या है? सम ऑफ ऑल साइड। तो इसमें देखिए, क्योंकि द पेपर का जो शेप है ये रेक्टेंगुलर शेप है, इसका मतलब ये जो ऑपोजिट साइड्स है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये 12.5 सेंटीमीटर, सो इट विल बी ऑल्सो 12.5 सेंटीमीटर एंड इट इज ऑल्सो 10.2/3 सेंटीमीटर ब्रेथ। ओके, तो इसका पैरामीटर निकालना है। तो रेक्टेंगुल का पैरामीटर निकलने का एक फॉर्मूला है, वो है पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर रेक्टेंगल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, सो दिस इज फॉर हेयर हम लोग लेंथ, लेंथ एल इज इक्वल टू व्हाट? 12.5 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ यू कैन कंसिडर बाई बी इज इक्वल टू 10.2/3 सेंटीमीटर। देयरफॉर पैरामीटर ऑफ द शीट ऑफ पेपर, शीट ऑफ पेपर इज इक्वल टू व्हाट? 2 × लेंथ + ब्रेथ, दैट इज 2 × लेंथ में है 12.5 + ब्रेथ में है 10.2/3 एंड द यूनिट इज सेंटीमीटर। ओके, इस टू फर्स्ट क्या करेंगे हम लोग, इज मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। एलसीएम इज टू, 12 × 24 + 1 दैट इज 25 प्लस द एलसीएम इज सॉरी डेनोमिनेटर इज 3, 10 × 3 = 30 + 2 = 32, दिस इज सेंटीमीटर। ओके, सो दिस इज 2। नाउ फाइंड द एलसीएम ऑफ 2 and 3, द एलसीएम ऑफ 2 and 3 6, 6 / 2 दैट इज 3, 3 × 2 इसका मतलब क्या है? 25। नेक्स्ट प्लस 6 / 3 टू टाइम्स जाएगा 2 × 32 इज इन सेंटीमीटर। दिस इज 2 × हेयर इज 6, 3 × 25 = 75 प्लस 2 × 32 = 64 इज इन सेंटीमीटर, दैट इज 2 × 6, 75 and 64, 75 and 64 को प्लस करके देखिए 549, 73, सो 100, 139, इट इज इन सेंटीमीटर। 2 × 3 = 6, सो इट विल बी 139/3 सेंटीमीटर। इसको अभी मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, 139/3, 3 × 4 = 12, कैरी 1, 9, 3 × 6 = 18, रिमाइंडर इज 1, सो इट विल बी 46, डेनोमिनेटर इज 3 एंड द रिमाइंडर इज 1, 46 and 1/3 सेंटीमीटर। दिस इज द पैरामीटर ऑफ द शीट ऑफ पेपर एंड द शीट ऑफ पेपर ये क्या था? रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर, इसलिए हम लोग इसमें पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला इसमें यूज किया है।